हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीम के एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो बॉलिंग करने आते हैं तो बल्लेबाज को डर लगता है कहीं वो आउट ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको भुवनेश्वर कुमार की लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप भुवनेश्वर कुमार के फैन है तो इस वीडियो को कर दे लाइक। भुवनेश्वर का फुल नेम भुवनेश्वर कुमार सिंह है, निकनेम भुवी है और भुवन है। प्रोफेशन से क्रिकेटर है। भुवनेश्वर का जन्म 5 फरवरी 1990 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ और 2020 के हिसाब से 30 साल के हैं और इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई मेरठ से ही की है। बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड। इन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार के करियर के बारे में। भुवनेश्वर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने से की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने डेब्यू के बाद भुवनेश्वर कुमार पहली बार लाइमलाइट में तब आए जब इन्होंने 19 साल की उम्र में 2008-2009 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट कर दिया और वे ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने। 2008 के रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 35 विकेट लिए और अपने गेंदबाजी से सबको प्रभावित कर दिया। इसी तरह समय बीतता गया और वे खुद को पहले से बेहतर बनाते गए। साल 2012 में इन्होंने सेंट्रल जोन की तरफ से खेलते हुए दुलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक लगाया। इस शतक से इन्होंने अपनी बैटिंग का करिश्मा भी सबको दिखा दिया था। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर कुमार का टीम इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ T20 के लिए सिलेक्शन हो गया और 25 दिसंबर 2012 को इन्होंने अपना T20 डेब्यू किया जिसमें इन्होंने शानदार 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे और इसकी मदद से अपने लिए ODI टीम में जगह बना ली और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही 30 दिसंबर 2012 को इन्होंने अपना ODI डेब्यू भी किया और अपनी ODI क्रिकेट की पहली गेंद पर पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद हफीज को आउट किया था। इसके बाद अपनी शानदार बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्हें टेस्ट टीम में भी जगह मिली और 22 फरवरी 2013 को टेस्ट डेब्यू किया। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को भुवनेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जारी रखा। हालांकि पहले टेस्ट मैच में भुवनेश्वर गेंदबाजी से कुछ कमाल नहीं कर पाए लेकिन बल्लेबाजी में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ 9th विकेट के लिए 140 रन की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की और अपने दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के 3 महत्वपूर्ण विकेट गिराए। भुवनेश्वर कुमार ने टेस्ट, ODI और T20 में अपना पहला विकेट बल्लेबाज को बोल्ड करके ही लिया है और ऐसा करने वाले ये पहले गेंदबाज बने थे। दोस्तों, आपको भुवनेश्वर कुमार कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलवाते हैं आपको भुवनेश्वर कुमार की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है किरण पाल सिंह और इनकी मदर का नाम है इंद्रेश सिंह और इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है रेखा आधना और भुवनेश्वर कुमार की वाइफ का नाम है नूपुर नागर और इनसे इन्होंने 2017 में शादी की है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार के हाउस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर कुमार रहते हैं गंगानगर मेरठ में। जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो इनकी फर्स्ट कार है BMW 530 DM Sport जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है Audi Q3 जिसकी कीमत है 34 लाख रुपए। अब बात करते हैं इनके इनकम के बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये ODI मैच खेलने के लिए लेते हैं 6 लाख रुपए, वहीं ये T20 मैच खेलने के लिए लेते हैं 3 लाख रुपए, वहीं टेस्ट मैच खेलने के लिए ये चार्ज करते हैं 15 लाख रुपए और ये IPL का सीजन खेलने के लिए लेते हैं 8.5 करोड़ रुपए। भुवनेश्वर कुमार का एनुअल इनकम जो है वो है लगभग 18 करोड़ रुपए। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो इनका नेटवर्थ है 40 करोड़ रुपए। तो ये थी भुवनेश्वर कुमार की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको भुवनेश्वर कुमार अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो कर दे लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पे चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें।